हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सीबीएसई की अपडेट्स लेके आई हूँ फॉर क्लास टेंथ एंड प्लस टू क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ये जो अभी तक चल रहा था कि टेंथ के और प्लस टू के एग्ज़ाम जो पेंडिंग एग्ज़ाम बच गए थे ड्यू टू कोरोना जो नहीं हो पाए थे, तो वो क्या आगे होंगे या नहीं होंगे, सभी पेरेंट्स टीचर और बच्चे इसी असमझ में थे कि भी एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। बट जब कोर्ट में जब फैसला सुनाया गया तो सीबीएसई ने अपनी अपडेट्स रख दिए कि अब क्या होगा, टेंथ और प्लस टू को कैसे वो हैंडल करेंगे, क्या रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा या पेंडिंग एग्ज़ाम होंगे। तो इस बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि क्या डिक्लेयर किया है सीबीएसई ने रिगार्डिंग टेंथ। उन्होंने बोला है कि जो सीबीएसई का रिज़ल्ट 2020 का है वो अनाउंस होगा बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, जो उनके इंटरनल असेसमेंट हुए हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुए हैं, जो उनके स्कूल में छोटे छोटे मार्क्स के 20 मार्क्स के 50 मार्क्स के जो भी उनकी असेसमेंट हुई है उनको देखते हुए उनका रिज़ल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। और जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई 2020 तक डिक्लेयर हो जाएगा। तो जो पेंडिंग एग्ज़ाम का चल रहा था कि भी जुलाई में होंगे, बट अब वो नहीं होंगे, पूरी तरह कैंसिल हो चुके हैं। अब सीधा आपको 15 जुलाई को रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा टेंथ क्लास का, राइट। फिर है प्लस टू एग्ज़ाम के बारे में उन्होंने सीबीएसई ने क्या अपडेट दिए। उन्होंने बोला कि जो एग्ज़ाम पेंडिंग है वो ऑप्शनल होंगे बच्चों के लिए, जो बच्चे देना चाहेंगे एग्ज़ाम वो दे सकेंगे, जिन्होंने नहीं देने हैं एग्ज़ाम, जो पेंडिंग बचे हुए एग्ज़ाम थे, जो पेपर नहीं देना चाहते बच्चे, वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो दे या ना दे, वो ऑप्शनल कर दिया है प्लस टू एग्ज़ाम्स के बारे में उन्होंने। और जो प्लस टू के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं, जो देना चाहते हैं बच्चे, तो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करेगा बोर्ड, वो जब भी इन्वायरमेंट ऐसा लगेगा कि भी अब इन्वायरमेंट सूटेबल है एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो सीबीएसई कंडक्ट करेगा प्लस टू के एग्ज़ाम्स। बच्चों की चॉइस है कि वो देना चाहे या ना देना चाहे, जो देना चाहेंगे वो दे सकते हैं, और जो नहीं देना चाहते उनका रिज़ल्ट जो है, जो उनके लास्ट एग्ज़ाम्स हुए थे उनके बेसिस के ऊपर उनको मार्किंग सिस्टम उनका किया जाएगा, और उनको फिर उसी हिसाब से उनके नंबरिंग जो है, उनको एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट है वो दिया जाएगा। तो इसलिए ये अपडेट जो है अभी सीबीएसई ने डिक्लेयर किए है टेंथ और प्लस टू के रिगार्डिंग में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है जिससे आपको मैंने अपडेट दिया है टेंथ और प्लस टू के रिगार्डिंग में, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट कि जितने भी बच्चे टेंथ और प्लस टू में हैं उनको भी ये पता चल सके कि क्या अपडेट्स आए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जो अभी रिसेंटली जिस पे मैं वीडियो डालती रही हूँ आप उसे सब्सक्राइब भी करें, सो दैट कि भी मैं आगे भी आप लोगों को न्यू अपडेट्स जो है वो देती रहूँ। थैंक यू।